विधानसभा चुनाव के लिए कैथल से कांग्रेस के दिग्गज व वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज अपना नामांकन भर दिया है और नामांकन भरने के बाद सीधा सीधा इन्होंने भाजपा को घेर लिया। चलिए आपको दिखाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आज कैथल से नामांकन पत्र भरने का मुझे एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए मिलकर कैथल को एक सुरक्षित, एक प्रगतिशील और एक चढ़ता और बढ़ता हुआ शहर बनाएं। पिछले 5 वर्षों में भाजपा शासन में अगर कुछ बढ़ा है तो बिजली के बिल, अगर कुछ कटा है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टरों के चालान, अगर कुछ सबसे चरम सीमा पर पहुंचा है तो वो मंदी और तालाबंदी, और अगर किसी से कुछ छीना गया है तो वो है रोजी रोटी और रोजगार। इस सब को बदलने की जरूरत है। याद करिए, कैथल वो है जिसके अंदर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पार्क, स्टेडियम, पुल, नया बस अड्डा, नया अस्पताल, ये सारी सुविधाएं आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर बनाई थी। इस सरकार ने चलते हुए काम भी रोक दिए। आज तक ना सिटी स्क्वायर बन पाया, ना भाई उदय सिंह का किला। आज भी शहर की सीवरेज और शहर का पीने के पानी की जर्जर व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो आपने और मैंने मिलकर बनाई थी। आज आवश्यकता है नया संकल्प लेने की। मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं कैथल को एक बेहतरीन, एक विकसित ऐसा शहर बना सकूं जहां हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, माता बहन सुरक्षित हों, और जहां हमारा व्यापारी, हमारा दुकानदार, कैथल का साधारण नागरिक, मजदूर और गरीब आगे बढ़ता रहे और उस आगे बढ़ने में हमेशा हाथ में हाथ रहे और हाथ का साथ रहे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।